नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की, यही जन्म भूमि है परम पूज श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। आज बड़ा शुभ दिन है, वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आज मां कौशल्या की गोद भरने वाली है। भविष्यवाणी हो चुकी है, पुत्र जन्म लेगा, नाम पहले से ही निश्चित है राम। इनके पहले भाग में ना अंतिम मध्य में, जन्म के साथ ही निश्चित हो गया कि राम को अद्वितीय यश मिलेगा, पर अपार कष्ट सहने के बाद। राम ही क्यों, हर सपने देखने वाला भरी दोपहरी में जन्म लेता है। अंगारों पर चलने का दम है तो जो सफलता मिल जाए वो कम है। धरती पर कोई राम जैसा वीर पुरुष न सीता जैसी सुंदर नारी, दोनों को मिलना ही था, एक दूसरे का होना ही था। लेकिन इस मिलन को चुनौती दे रहा था एक स्वयंवर और सीता के पिता महाराज जनक का प्रण कि शिव का धनुष, जिसे आज तक कोई अपनी जगह से हिला नहीं पाया, जो उसे उठाएगा वही मेरी सीता से ब्याह रचाएगा। राम मुस्कुराए, अपने आसन से उठे, धनुष तक चल के आए, एक झटके में धनुष उठाया, उसकी डोरी चढ़ाई और प्रत्यंचा खींचकर शिव का धनुष दो टुकड़े कर डाला। अगले ही पल सबके होठों पर बधाइयां थी और राम के गले में सीता की वरमाला। से राजपाट छीन लिया, ठाट बाट छीन लिया, पर उनके होठों की मुस्कान नहीं छीन पाया। राम ने वनवास में भी खुशी ढूंढ ली, ना दिन है ना रात है, कोई तन्हा है ना साथ है, जैसी आंखें वैसी दुनिया बस इतनी। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है, क्या कभी अंबर से सूर्य भी
चढ़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है अनहोनी हर आग हुई राम, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा तू ही सहारा, तू जग सारा तू ही हमारा सूरज तू ही तारा। की नियति उन्हें वहां ले जाने वाली थी जहां उन्हें अपने शौर्य और धैर्य की सबसे कठिन परीक्षा देनी थी। सीता और लक्ष्मण के साथ राम चल पड़े पंचवटी की ओर, लेकिन पंचवटी जाने के लिए गंगा पार करना जरूरी था और दुविधा यह थी कि गंगा पार कैसे करें, किसकी मदद लें। राम ने बड़ी आशा से एक मांझी की ओर देखा जो गंगा में नाव चला के किसी तरह अपना पेट पालता था। केवट निर्धन था, समाज का ठुकराया हुआ, उपेक्षित, इतना दीनहीन कि उसका सर हर किसी के आगे झुका रहता था। समय का फेर देखिए, आज स्वयं रघुनंदन उसके आगे झुके हुए थे। सीता भूल से लक्ष्मण रेखा पार कर गई। रावण साधु बन के आया और शैतानों जैसा अपराध कर गया। एक क्षण में सब कुछ बिगड़ गया। सीता राम से ऐसे बिछड़ी जैसे तन से प्राण बिछड़ गया। निकल पड़े सीता की खोज में, दसों दिशाओं में उन्हें पुकारा, कण कण से उनका पता पूछा। रास्ते में जो भी मिला, पशु पक्षी पेड़ पौधे, सबसे राम ने एक ही बात कही, जो मेरी आंखों का उजाला है, मेरे हाथों की रेखा है, क्या तुमने उस जानकी को देखा है। जटायु ने बताया कि जानकी को रावण ले गया समुद्र पार लंका। राम जानते थे कि सीता को पल पल उनकी प्रतीक्षा होगी। सीता को संदेशा कैसे भेजें, किसके हाथ भेजें, कौन है जिसका साहस पर्वत जैसा अटल है, वेग वायु जैसा प्रबल है, कौन है जिसमें समुद्र पार करने का बल है। प्रश्न बहुत कठिन पर उत्तर बहुत सरल है। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। ऋषिमुख पर्वत पर हुआ राम और हनुमान का मिलन, भक्त और भगवान का मिलन। सेतु का निर्माण जोर शोर से चल रहा था। राम ने सोचा, मुझे भी हाथ बटाना चाहिए। एक पत्थर हाथ में लिया और समुद्र में डाल दिया। पत्थर तैरा नहीं, डूब गया। राम उदास हो गए।
हनुमान दूर से ये दृश्य देख रहे थे। पास आके बोले, प्रभु मन छोटा ना करें, पत्थर हो या मानव कोई नहीं बच पाएगा, जो आपके हाथ से छूटा वो तो डूब ही जाएगा। राम की सेना समुद्र के पार आ पहुंची। ललकार दिया उन्होंने सृष्टि के सबसे बड़े अत्याचारी को। छिड़ गया काल चक्र का सबसे प्रचंड युद्ध, राम रावण युद्ध। धरती तीरों से ढक गई, आकाश तलवारों की टंकार से गूंज उठा। युद्ध अपने अंतिम मोड़ पर आ पहुंचा, वो क्षण पहुंचा जिसके लिए राघव ने सागर लांघे और पर्वत चढ़े थे। अब राम और रावण एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे और पूरी सृष्टि एक स्वर में श्री राम से कह रही थी, सर बुराई के 10 हैं, शस्त्र सारे बेबस हैं, जिस पे जिम्मेदारी है तू ही वो अवतारी है, ये घड़ी ये पल है तेरा, तेरे सच में बल है तेरा, ओ धनुर्धर अब क्या शंका, मार दे रावण जीत ले लंका। रावण का अंत हुआ और राम की विजय। जिसके पास तीनों लोकों की संपदा थी वो हार गया, जो भालू और वानरों की सेना लेकर लड़ा वो जीत गया, क्योंकि एक अहंकार के साथ लड़ा और दूसरा सत्य के साथ। जब जब समशीरे ताने गए माहे भवानी, नन नन आंधिया उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने, बात यकी मन में ताने गए माहे भवानी। हम सब मर्द बावड़े बड़े खुदार है, अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है, अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे तेरे जो...